नमस्कार पटना। आज हम Q&A लेके आए हैं, क्वेश्चन एंड आंसर विद सर जी, जिसमें आपके बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं और आपके कमेंट के माध्यम से बहुत सारे पेरेंट्स का जो डायलिमा होता है, जो प्रॉब्लम होता है, उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो आइए वन बाई वन हर एक क्वेश्चन को लिया जाए जो कि ग्रुप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास करता है हमारा ये क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज। पहला जो क्वेश्चन निकल के आया है वह रोशन कुमार जी का, उनका क्वेश्चन है कि सर क्लास टू में एडमिशंस के लिए एज क्या चाहिए। पार्ट बाय पार्ट इसका हम आंसर बताने का प्रयास करेंगे। रोशन कुमार जी, आशा करते हैं आप कुशल मंगल होंगे और छठ की व्यवस्था में आपने ये कमेंट किया और बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि सर क्लास टू, आप स्पेशली संत माइकल्स के बारे में पूछ रहे थे। तो अगर देखा जाए तो क्लास टू की वैकेंसीज निकलती भी हैं और नहीं भी, यानी ये कैजुअल नेचर की होती है। पिछले साल संत माइकल्स ने क्लास वन की वैकेंसी आउट की थी और उसके पिछले साल क्लास फाइव क्लास सिक्स तक की वैकेंसी आउट हुई थी। तो हमें आशा है कि इस बार क्लास टू से लेके क्लास वन क्लास फोर क्लास फाइव तक वैकेंसी शायद संत माइकल्स स्कूल आउट करे। उसके लिए रिलेटेड बहुत सारे बच्चे हमारे बैच में तैयारी कर रहे हैं। पहला जो आपका प्रश्न था कि सर क्लास टू में एज क्या चाहिए, तो एज की बात की जाए रोशन जी, तो क्लास टू के लिए जो एज चाहिए, सबसे पहले LKG का हम बता देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स LKG के भी एज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेरीज पूछते हैं, स्पेशली संत माइकल्स स्पेशल। पिछले साल संत माइकल्स ने LKG के नामांकन के लिए 2-3 संशोधन भी किए थे और 4 साल 2 महीना या 3 महीना तक उसने अपना एज को लेकर गया था संत माइकल्स। स्पेशली अगर पटना के जितने भी स्कूल्स देखे जाए तो 70-80% 4+ एज मांगते हैं LKG के लिए। अगेन आई रिपीट, LKG के नामांकन के लिए बच्चे का एज या तो 31 मार्च 2025 तक 4 साल मिनिमम हो जाना चाहिए, या कोई कोई विद्यालय 1 अप्रैल 2025 तक बच्चे का एज 4 साल मांगते हैं। उसके बाद UKG का बात किया जाए तो 5+ और 1 की बात की जाए तो 6+ और 2 के बात की जाए तो 7+, यानी बच्चे का एज 7 साल 31 मार्च 2025 तक हो जाना चाहिए, तभी आप संत माइकल्स में नामांकन के लिए एप्लीकेबल हो पाएंगे। उसके बाद रोशन जी का जो सेकंड सवाल था, जनरली जो सबसे पहले फॉर्म निकलता है रोशन जी, वो LKG का होता है। पटना के जितने भी टॉप स्कूल में आप काउंट करेंगे टॉप 20 या टॉप 10 में, तो सबसे पहला जो नामांकन लोग निकालते हैं वो LKG का निकालते हैं। तो माइकल्स भी LKG का मैक्सिमम दिसंबर के लास्ट या हमको लगता है कि इस बार जनवरी के फर्स्ट वीक तक ही अपनी वैकेंसी निकाल ही देगा, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स ने अपनी वैकेंसी निकाल दी है। फॉर एग्जांपल DPS का डेट भी खत्म हो चुका है। DPS दिल्ला दिल्ली पब्लिक स्कूल, जो कि पूरे बिहार में नंबर 1 रैंक पे आता है, उसका डेट भी खत्म हो चुका है। DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल पटना ईस्ट, उसका भी स्टार्ट है फॉर्म एप्लीकेशन। डॉन बॉस्को एकेडमी ने 1 दिसंबर से अपना एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद इंद्रपुरम गर्ल्स स्कूल्स, उसने भी अपनी वैकेंसीज आउट कर दी और बैक टू बैक जितने भी पटना के टॉप स्कूल है, सेंट जेवियर्स हो गया, संत माइकल्स हो गया, डॉन बॉस्को एकेडमी हो गया, लोयला हाई स्कूल हो गया, DAV BACB हो गया, मैरी वॉटकिंडन गार्डन हो गया, संत पॉल्स हो गया, संत डोमिनिक सेवियो, बहुत सारे मोर 120+ स्कूल जो है अपनी वैकेंसीज बैक टू बैक आउट करते रहते हैं। तो इसके लिए तुरंत यानी छठ पूजा के बाद वैकेंसीज की बाढ़ आनी शुरू हो जाती है और हमारी इस वीडियोस भी आपको बैक टू बैक इसके इन्फॉर्मेशन के लिए मिलेंगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले और अपने जितने भी रिलेटिव हैं या ऐसे पेरेंट्स जो इन सूचनाओं के अभाव के कारण अपना फॉर्म नहीं भर पाते हैं, उनको भी हमारे वीडियोस के बारे में बता दें। हमारा मनसा है कि हम सच्ची और सही जानकारी ठोक बजा करके आपको दे। अगर भूल से भी भूल हो तो क्षमा प्रार्थी हम हमेशा हैं और रहेंगे। इसके बाद रोशन जी का सवाल है कि सर क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगा। ये लगभग मैंने हर एक वीडियो में बताया है रोशन जी, लेकिन आपने ये सवाल पूछा है और आपका ही नहीं, पटना के और बिहार के बहुत सारे गार्जियंस डॉक्यूमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं। तो मोटा मोटे अगर देखने का हम प्रयास करें तो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड पहला जो डॉक्यूमेंट्स दिमाग में आता है वो है DOB, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। अब इसमें भी है, बहुत सारे स्कूल DOB पटना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का मांगते हैं, कोई कोई स्कूल्स पटना नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद उसको भी वैलिड करते हैं। तो आप सबसे सेफ जोन में रहना चाहते हैं या कोई रहना चाहती हैं अपने बच्चों या बच्चियों के लिए, तो यू हैव टू मेक द DOB सर्टिफिकेट फ्रॉम पटना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इफ़ यू कैन। पहला। दूसरा है प्रीवियस ईयर रिपोर्ट कार्ड। क्लास वन से लेकर क्लास सिक्स सेवन एट तक कोई भी अगर बच्चा या बच्ची नामांकन पटना के सबसे अच्छे विद्यालयों में लेना चाहता हो तो उसको प्रीवियस ईयर रिपोर्ट कार्ड भी डिमांड किया जाता है। कहीं कहीं बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल में इस बार बोनाफाइड सर्टिफिकेट मांगा गया था, प्रीवियस ईयर रिपोर्ट कार्ड मांगा गया था, हेल्थ सर्टिफिकेट बच्चों का आजकल मांगा जाता है, आधार कार्ड कोई कोई स्कूल्स मांगते हैं। मैंडेटरी है या नहीं ये विद्यालय के एडवर्टीजमेंट के बाद ही हम बता सकते हैं।
अगर आप सेंट माइकल्स की बात करें तो पिछले साल ये चीज़ें मैंडेटरी नहीं थी, लेकिन हो सकता है कि इस साल मैंडेटरी कर दी जाए। और जब तक उसकी वैकेंसीज आउट नहीं होती है पूरा डिटेल रिव्यू हम लोग नहीं कर पाते हैं। अनुमानतः पिछले साल ये शायद चीज़ें मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये सरकार की ही मंशा है कि हर एक विद्यालय, हर एक विद्यार्थी का जो एडमिशन है उसका आधार कार्ड को भी इंक्लूड करना है बाय द CBSE डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो ये चीज़ें धीरे धीरे मैंडेटरी एक तरह से कर दी गई हैं। उसके बाद जो चीज़ें निकल के आती हैं वो है आपका रेसिडेंस प्रूफ। अब रेसिडेंस प्रूफ की बात की जाए तो बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन, जनरली 4 या 5 जो हम इंपॉर्टेंट हमें लगता है वो है आपका आधार कार्ड विथ पटना एड्रेस प्रूफ, बिजली बिल का रसीद विथ पटना एड्रेस प्रूफ, उसके बाद बैंक पासबुक विथ पटना एड्रेस प्रूफ, उसके बाद जो 4th में आता है वो है आपका LPG कंज्यूमर कार्ड विथ पटना एड्रेस प्रूफ। ये सब मोटी मोटी चीज़ें हैं। इसके बाद रेंट एग्रीमेंट भी हो सकता है आपका, अगर आप पटना में रहते हैं एज ए रेंटर तो आपके पास अगर रेंट एग्रीमेंट भी हो तो ये चीज़ें चलेंगी। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, कितने किलोमीटर वाले बच्चों को प्रेफरेंस दिया जाता है, किन किन बच्चों का नामांकन में प्रेफरेंस मिलता है, बहुत तरह के सवाल पेरेंट्स का आता है, उनका जवाब भी हम देने का प्रयास करते हैं। किलोमीटर की बात की जाए तो मैक्सिमम स्कूल 5 किलोमीटर तक के बच्चों को प्रेफरेंस देते हैं, दैट इज द रेडियस फ्रॉम द स्कूल कैंपस। इसके बाद सवाल रोशन जी का ये भी हो सकता है कि सर एग्जामिनेशन में पूछा क्या जाता है। जनरली सवाल में बच्चों से मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी और कुछ रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं जीके जीएस का, उसकी तैयारी हमारी चल रही है। बिहार के बहुत सारे बच्चे हमारे कोर्सेज में कोर्स ए, कोर्स बी, कोर्स सी, कोर्स डी, अलग अलग बैचेस पे अलग अलग टाइम पे बच्चों का क्लासेस चलता है, जहाँ पे प्रीवियस ईयर इंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे थ्रू बनाए गए हैं, उसके आधार पर उससे बच्चों को प्रैक्टिस करवाया जाता है। इफ़ यू वांट देन यू कैन कॉल आवर नंबर, दैट इज 9472163206। हम आशा करते हैं कि रोशन जी आपके बहुत सारे क्वेरीज, आपके थ्रू बहुत सारे पेरेंट्स की क्वेरीज सॉल्व हो गई होगी, एज से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत सारे पेरेंट्स का सॉल्व हो गया होगा। और जिनको कोई भी प्रॉब्लम हो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। वी अगेन मेक अ Q&A क्वेश्चन एंड आंसर विद द सर जी, जिसमें आपके सारी सवालों का सटीक जवाब देने का हम प्रयास करेंगे अपने पिछले अनुभव के आधार पर। उसके बाद जो एक समीन अरवर 8001 जी का सवाल है कि सर किस एज में नामांकन होता है डॉन बॉस्को एकेडमी में। समीर अनवर जी हम आशा करते हैं कि आप कुशल मंगल होंगे और आपका भी सवाल एज से रिलेटेड है। डॉन बॉस्को एकेडमी के स्पेशली हम बात करें तो इस बार डॉन बॉस्को ने LKG की वैकेंसीज आउट कर दी हैं, नंबर ऑफ सीट्स 320 के लगभग आउट की गई है। उससे रिलेटेड हमारा एक बहुत ही प्रीमियम वीडियो डाल दिया गया है जो कि आई बटन ने यहाँ पर हम डाल देंगे, जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि डॉन बॉस्को के लिए क्या एज चाहिए। ऐसे 4+ 4 साल एज होना चाहिए। ये जो एज होना चाहिए 1 अप्रैल 2025 तक बच्चे का जो मिनिमम एज है वो 4 साल हो जाना चाहिए, तभी उस बच्चे का नामांकन पटना के सबसे अच्छे विद्यालयों में हो सकता है। डॉन बॉस्को इज वन ऑफ देम, तो वहाँ पर होगा। और यहाँ पर बच्चों का जो LKG में होता है समीर जी, वो इंट्रैक्शन मीट के आधार पर बच्चों से सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। और स्पेशली अगर हम डॉन बॉस्को की बात करें, बहुत सारे पेरेंट्स से आप बात भी कर सकते हैं, बच्चों से रिटर्न एग्जामिनेशन की तरह बच्चों से कुछ लिखवाया भी जाता है, उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर्स हमारे चल रहे हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन ज्वाइन अस। उसके बाद HEA 482 का सवाल है कि सर डॉक्टर DY पाटिल से बात पर एक जरूर वीडियो बनाए, जरूर बनाएंगे हम, हमारा हमारी मंशा है कि पटना के जितने भी अच्छे विद्यालय हैं उन पर एक अच्छा प्रीमियम वीडियो बनाया जाए। उसके लिए हमारा रिसर्च चल रहा है, जैसे ही वो रिसर्च कंप्लीट हो पाएगा हम इस पर भी एक जरूर वीडियो बनाएंगे DY पाटिल अनिसाबाद पर भी। इसके बाद प्रियंका कुमारी जी का सवाल है सर 3 क्लास का कब आएगा वैकेंसी। देखिए प्रियंका कुमारी जी, आप जनरली डॉन बॉस्को एकेडमी का पूछ रही थी, हम आशा करते हैं कि आप कुशल मंगल होंगी। डॉन बॉस्को एकेडमी के अगर देखा जाए पिछले साल तो कैजुअल वैकेंसी आई थी और पेरेंट्स से एक एप्लीकेशन लेटर ले लिया गया था, उसके आधार पर बच्चों को मेल किया गया था, व्हाट्सएप किया गया था और उसके आधार पर ही बच्चों का जो है एग्ज़ाम लिया गया था। इस साल देखा जाए किस तरह की वैकेंसी, क्लास 3 अगर डॉन बॉस्को की बात करें तो अभी तो बस LKG की वैकेंसी आउट हुई है। क्लास 3 की वैकेंसी पटना के बहुत सारे विद्यालय में निकलती है, माइकल्स में निकलती है, डॉन बॉस्को में अगर निकलता है तो उसको हम जरूर बताएंगे। DAV BSE पिछले साल क्लास 8 तक की वैकेंसी निकली थी जो पटना में नंबर 2 वाले रैंक पर रैंक करता है। तो बहुत सारे विद्यालय हैं जैसे उनकी वैकेंसीज आउट होती हैं, JVS की वैकेंसी पिछले साल 2 क्लास की आउट हुई थी, तो जैसी वैकेंसीज आउट होती हैं हमारे वीडियो के माध्यम से आप देख पाएंगी और आपके माध्यम से जो आपने सवाल पूछा है, बहुत सारे पेरेंट्स की ये मंशा होती है कि हमारे बच्चे सबसे अच्छे विद्यालय में पढ़े, तो हमारी भी मंशा है कि आपको सटीक और सही जानकारी सही समय पर दे दी जाए। हमारे चैनल्स पर जो भी नोटिफिकेशन आएंगे उसको जरूर फॉलो कीजिएगा, सारी चीज़ें हम बताने का प्रयास करते हैं। और अगर इसके बाद भी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमारा प्रयास है कि आपको सही और सटीक जानकारी सही समय पर दे दी जाए। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर प्रीमियम बैचेस व्हाट्सएप इन्फॉर्मेशन ग्रुप और यू कैन बाय आवर टेस्ट सीरीज पैकेज, यू कैन कॉल और व्हाट्सएप अस ऑन आवर नंबर दैट इज ब्लिंकिंग हियर 9472163206।
तो हम आशा करते हैं कि आपका हमारा ये Q&A सेशन क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज विद सर जी पटना आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपके पास अभी भी बहुत सारे डाउट्स हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट Q&A में क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज में हम इस को लेके आएंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे और क्या हो जाएगा। एक जो बोनस पॉइंट हम देना चाहेंगे, बच्चों को प्रैक्टिस जरूर करवाएं, क्योंकि बच्चे बहुत सारे बच्चे जानते बहुत हैं, घर में उनसे आप बात कीजिएगा तो वो बात करेंगे, लेकिन जैसे इंटरेक्शन मीट में वो जाते हैं वो बोल नहीं पाते हैं, तो कैसे उसमें सुधार लाया जाए। प्रैक्टिस एक माहौल क्रिएट हो जाता है हमारे बैचेस के थ्रू, और जिसे बच्चे देख देख कर भी सीखते हैं और बोलने का प्रयास करते हैं, जिससे उनका मॉरल डेवलपमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो पाता है। तो हम आशा करते हैं हमारा Q&A आपको अच्छा लगा होगा, आपकी क्वेरीज जो भी थे वो सॉल्व करने में हम कुछ हद तक सफल हो पाए होंगे। तो अब मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।